आइए, सो वी विल कंटिन्यू विद, हम लोग कर रहे थे मई 2018 का आरटीपी, राइट? वी हैव फिनिश्ड टू प्रॉब्लम. नाउ इस आरटीपी में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि काफ़ी सारा सम ऐसा है जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो हम लोग उस सम्स को वापस नहीं करेंगे, राइट? आइए, तो ओवरहेड का जो सम है ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी निकलेगा, इसमें फिर अपना वो जो भी आएगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे. तो इस टाइप का सम भी हम लोग कर चुके हैं, राइट? लेट मी जस्ट डिस्कस क्विकली. फुल फ्लेजेड तो मैं नहीं कराऊंगा, ये सम रिपीटेशन हो रहा है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला स्टेप है हमारा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, राइट? सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर है, तो मेरा बजटेड ओवरहेड है 44 लाख, डिवाइडेड बाय माय मशीन आवर इज 2,20,000 आवर्स, दैट कम्स टू 20 पर मशीन आवर्स. ठीक है, स्टेप टू इज व्हाट? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, दैट कम्स टू एक्चुअल मशीन आवर इनटू बजटेड रेट. तो बजटेड रेट तो 20 है, नाउ एक्चुअल मशीन आवर कितना है देखिए, वन लैख 16,000 आवर्स. तो 1,16,000 आवर्स इनटू 20, सो इट विल बी 23,20,000, राइट? इज दैट फाइन? देन हम लोग निकालेंगे एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड. ओवरहेड निकालना है तो इसमें जो भी वेजेस है पुराने साल का है वो सब हटा देंगे, तो तुम्हारा है 24,88,200. इसमें से माइनस करना है पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर, ये ओवरहेड नहीं है हमारा, प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड नहीं है. माइनस पिछले साल का खर्चा है 1200, माइनस अवार्ड का पेमेंट किया है, दिस इज नॉट एन ओवरहेड, माइनस स्टोर राइट ऑफ, ये भी ओवरहेड नहीं है. तो इसको करने से हमारा एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड आ जाएगा, राइट? कितना आ रहा है देखो, 24,88,200 माइनस 1200 माइनस 128 माइनस 44 माइनस 6,700. इट इज कमिंग टू 23,08,300. सेम क्वेश्चन हमारा पास्ट ईयर में भी आ चुका है, पास्ट ईयर पेपर जब हम लोग सॉल्व किया था, राइट? स्टेप फोर विल बी अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी, दैट कम्स टू इनकर्ड माइनस एब्जॉर्ब्ड. तो 11,700 आ रहा है ओवर रिकवरी, नेगेटिव है ना? अभी जो डिफेक्टिव प्लानिंग का है इसका ट्रीटमेंट, राइट? हाउ मच इज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, जस्ट चेक, 1/4. सो दिस विल बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल. ये हमारा डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण है. एंड 3/4 को माना जाएगा
नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, तो इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रेट यूज करेंगे, दैट इज 3/4 इंटू 11,700 डिवाइडेड बाई, तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन है 24,000, उसमें से 21,600 सेल हुआ है, तो 24,000 ये प्रोडक्शन है, प्लस WIP का 50% लेना है, सो दैट कम्स टू 11,700 इंटू 0.75 3/4, तो 8775 बाय, दिस इज कमिंग टू 33,000 यूनिट्स, कितना आएगा डिवाइडेड बाय 33,000 यूनिट्स, तो 0.2659 पर यूनिट, राइट, इज दैट फाइन? अभी हमारा COGS, क्लोजिंग स्टॉक एंड WIP, COGS है 21,600 इंटू 0.2659, क्लोजिंग स्टॉक होगा 24,000 में से अगर 21,600 सेल हुआ है तो 0.062659, और इसका इक्विवेलेंट 9,000 है, तो 9,000 इंटू 0.2659, राइट, तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब करना है, ऑलरेडी हमारा कराया हुआ है आप लोगों को, जस्ट मैंने आपको एक स्नैपशॉट दे दिया है वापस से, इज दैट फाइन? नेक्स्ट, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 जो है हमारा, राइट, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है, G2020 इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेंज ऑफ गुड्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज एज फॉलोस, प्रोडक्ट ए का डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट बी का दे दिया, सी का दे दिया, ऑल दीज आर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर एट द रेट 10 पर आवर, 10 पर आवर में 30 कॉस्ट, इसका मतलब 3 घंटा ए बनाने में लग रहा है, बी बनाने में 4 घंटा, सी बनाने में 5 घंटा, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड का भी एवरेज दे दिया, इसका मतलब 3 घंटा ए बनाने में लग रहा है, 30 इज द ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्ट ए, इसका मतलब द एब्जॉर्प्शन रेट इज 10, सेम इज द केस विद बी, सेम इज द केस विद सी, क्वांटिटी प्रोड्यूस दे दिया, G2020 वॉज एब्जॉर्बिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, तो ये लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट शीट बना के दे दिया, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ना हम लोग को ABC सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है जिसका कॉस्ट और ड्राइवर कॉस्ट पुल सब दे दिया है, और कौन सा कितना है वो भी बता दिया, राइट, तो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड दिस ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर टू ईच प्रोडक्ट, राइट, सो नोट नंबर 1, बहुत सारे बुक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरहेड एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ABC सिस्टम, राइट, कैसे किया हुआ देखिए, एक्टिविटी
कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर, इसका रेशियो अमंग द प्रोडक्ट्स, और फिर ए बी और सी का ओवरहेड एलोकेशन। यूजुअली व्हाट वी डू, फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉस्ट पर ड्राइवर एंड देन वी फाइंड आउट ओवरहेड एलोकेशन, बट यहां पे डायरेक्टली अपने कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी में वी हैव स्टोर रिसीविंग, देन वी हैव इंस्पेक्शन, देन वी हैव डिस्पैच, देन वी हैव मशीन सेटअप, राइट। ये आएगा मेरा परचेज रिक्विजिश, अच्छा कॉस्ट पुल ना यहाँ पे, तो कॉस्ट पुल है 2,96,000, 8,94,000, 2,10,000, 12,00,000, राइट। सबका कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, परचेज रिक्विजिशन ये है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, दिस इज ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, डिलीवरी वाला सेल वाला, लास्ट वाला जाएगा नंबर ऑफ सेटअप पे। तो परचेज रिक्विजिशन दिया हुआ है, देखो ए का है 300, बी का है 450, सी का है 500। तो अगर 50 कॉमन लेंगे तो रेशियो आएगा 6:9:10, यस और नो, 6:9:300:450:500, ऑर्डर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 750, 1050, 1200, तो 150 कॉमन ले लो, तो 5:1050/150 करो 7:8, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 180, 270, 300, 30 कॉमन ले लो, 6:9:10, 6:9:10, देन नंबर ऑफ सेटअप 360, 390, 450, तो अगेन 30 कॉमन ले लो, तो 12:13:15 आएगा। तो इस रेशियो में ये खर्चा को डिवाइड करना है, राइट। सो 2,96,000, 6, 9, 15 + 10, 25 डिवाइड बाय 25 × 6, 71,040 डिवाइड बाय 25 × 9, 106,560 डिवाइड बाय 25 × 10, 118,400, 5, 7, 12 और 8, 20, इसका रेशियो का टोटल 20 हो रहा है, तो 8,94,000 डिवाइड बाय 20 × 5, 223,500 डिवाइड बाय 20 × 7, 312,900 डिवाइड बाय 20 × 8, 357,600, डन। छः, नौ, पंद्रह और दस, पच्चीस,
तो 2,10,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 6, 50,400। पच्चीस और 15, 40, तो 12,00,000 है डिवाइड बाय 40 इंटू 12, 40 into 13, राइट तो ये मेरा आ जाएगा टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज, ओवरहेड एलोकेशन प्रोडक्ट वाइज 71,040 प्लस 223,500 प्लस 50,400 प्लस 704,940, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, इसका आउटपुट है 10, 20, 30 है ना, तो 10,000 से इसको डिवाइड करो, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो 70.494 ये ओवरहेड एलोकेशन एज पर एक्टिविटी आ रहा है इसका। देन वी हैव 106,560 प्लस 312,900 प्लस 75,600 प्लस 8,85,060, 106,560 प्लस 312,900 प्लस 75,600 प्लस 885,060 डिवाइडेड बाई, तो ये आ रहा है मेरा डिवाइड बाई 20,000 किया 44.253, 118,400 357,600 प्लस 84 प्लस 10,10,000 डिवाइडेड बाई 30,000 यहाँ पे आउटपुट है, तो ये आ रहा है 33.67। इज दैट फाइन? बोलिए, अभी अपने को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है,
सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50-40-40, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30-40-50, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑलरेडी आ चुका है 70.494, 44.253, 33.67, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। कितना? 150.49। ठीक है, दो डेसिमल प्लेस तक ले लो, 124.25। ठीक है, 123.67, राइट। तो अपने को एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट पर यूनिट दिया, अपने को एक्टिविटी का पूछा है। इससे क्या होता है ना, इस तरीके से करने से थोड़ा हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। नहीं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर्स को ऐड करना, क्योंकि ड्राइवर का टोटल नहीं दिया हुआ है। फिर कॉस्ट पर ड्राइवर निकाल के फिर वापस यही चीज करेंगे आप। ठीक है, इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम? आइए, कॉस्ट शीट का सम है, इस टाइप का सम हम लोग क्लास में कर चुके हैं, हम लोग नहीं करेंगे इसको, राइट? वी हैव डन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन 5, क्लास मतलब क्या, मतलब आरटीपी वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन था, ऑलरेडी डन इन पास्ट पेपर, राइट? नाउ जैसे जैसे आप 3-4 आरटीपी कर लेंगे ना, उसके अगर आपको और आरटीपी करना है, तो आप देखेंगे काफी सारा क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, इन सब का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया हुआ है। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस आके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस करेंगे, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ओवरहेड के टाइम पे होता है, और प्लस ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP किया तो हमारा वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा, राइट? यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोला नहीं है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो हम लोग मान लेंगे इट्स रिलेटेड टू सेल्स, और यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो वर्क्स कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? और हमारे को सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, एकदम इजी है, राइट? देन नॉन इंटीग्रेटेड का सम भी ऑलरेडी डन इन पास्ट पेपर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू, राइट? सेम क्वेश्चन है, सो नाउ वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग।
बैच कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट, आइए. सो पहले पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे. आरएफ कन्फेक्शनर्स ओन्स अ बेकरी विच इज यूज्ड टू मेक बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्रीज, केक्स, मफिन्स. ठीक है, आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को मेरे तरफ से कौन सा पेस्ट्री, केक और मफिन्स क्या खाएंगे आप लोग? ओके फाइन, श्योर, आफ्टर द क्लास वील श्योरली हैव इट. नाउ द कंपनी यूज टू बेक एटलीस्ट 50 यूनिट्स ऑफ एनी आइटम एट अ टाइम, मतलब बैच साइज इज 50. कस्टमर ने 600 केक का ऑर्डर दिया, इसका मतलब 12 बैच बनेगा. टू प्रोसेस अ बैच, एक बैच का कॉस्ट दे दिया. डायरेक्ट मटेरियल 5000, डायरेक्ट वेजेस 500, सेटअप कॉस्ट 750, एसी एब्जॉर्ब्स, कंपनी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, 10% बाद में ऐड होता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव. इसका मार्जिन है 25% ऑफ सेल्स वैल्यू. राइट, तो मतलब 25% ऑफ सेल मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया ना. ठीक है, डिटरमाइन द प्राइस टू बी चार्ज फॉर 600 केक्स एंड फिर डिवाइड बाई 600 कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस पर केक आ जाएगा. और लास्ट में आपको पूछा है अगर आपको 605 केक का ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका 12 पॉइंट सम बैच आएगा, डिवाइड बाई 50 करने से 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल शिफ्ट टू 12 पॉइंट जो भी आ रहा है 12.1 है व्हाटएवर, तो ऑटोमेटिकली आपका 13 बैच हो जाएगा. फिर ये 5 केक के लिए आपको 13 बैच ऑर्डर करना पड़ जाएगा क्योंकि वो 5 प्रोसेस करने के लिए एक बैच में 50, तो वो 5 करने के लिए यू हैव टू कैरी दी 13th बैच, बनेगा 5 ही उसमें. ठीक है, आइए. सो लेट अस स्टार्ट. पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. स्टार्ट करिए एक बार आप लोग, ट्राई, गिव इट अ ट्राई. राइट, तो सबसे पहला नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बैचेस 650 पर बैच, तो 12 बैच एग्जैक्ट statement showing calculation of total cost and selling price.
सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर 500 पर बैच है, ओवन का सेटअप कॉस्ट 750, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला है? 20% ऑफ वेजेस, तो ये मेरा आ गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 76,200 प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सबको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बोला जाता है। तो जो भी आ रहा है उसका 10%, 7620, तो हमारा आ गया 83,820। प्लस प्रॉफिट 1/3 ऑफ 83,820। करिए, 25% ऑन कॉस्ट है, बचपन में पढ़ा है। राइट, तो 600 के कम इतना चार्ज करेंगे, राइट। पार्ट टू, कॉस्ट पर केक 83,820 डिवाइडेड बाय 600 केक्स, सो 139.70।
186.27, 12 बैच, तो एक बैच का भी उतना ही आएगा, तो एक बैच को डिवाइड बाई कर देंगे, हमारा इजीली हो जाएगा, राइट आप लोग देखते हैं ना, जब भी यू गो टू अ केक शॉप व्हाट हैपेंस, एक ट्रे में 50 तो ब्लैक फॉरेस्ट, खिलाऊंगा भैया खिलाऊंगा इस तरीके से मत करो, 50 तो ब्लैक फॉरेस्ट, 50 तो चॉकलेट ट्रफल केक, इस टाइप का रहता है ना, तो बैच वाइज बनता है, राइट। मैंने जब बोल दिया तो बोल दिया, आज ही खिलाऊंगा, इज दैट फाइन। अब दिक्कत क्या है, पार्ट थ्री में पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट, नोट वन, नंबर ऑफ बैचेस 605/50, ट्वेल्व पॉइंट वन तो होता नहीं है, इक्वल्स टू 13 बैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा, सीधा 13 बैच, ठीक है, आइए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, नाउ डायरेक्ट मटेरियल जो है ना आपका, ध्यान दीजिएगा 5000 एक बैच का है, नाउ डायरेक्ट मटेरियल तो पर यूनिट के वाइज वेरी करता है, तो 5000 में 50 केक का मटेरियल आएगा, सो इट इज कमिंग टू 100 पर केक, सो इट विल बी 100 × 605। ये अरे भैया थोड़ा सा भी एक्सीड हुआ तो आपको बैच 13 परफॉर्म करना पड़ेगा, बट मटेरियल कॉस्ट थोड़ी आप 13 बैच का खरीदेंगे, वो तो जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है उसी का ना खरीदेंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 500 × 13 बैच का देना पड़ेगा, ओवन सेटअप 750 × 13, प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट करिए, बताइए कितना आ रहा है, 780/50, ठीक है,
प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 10% ऑफ 78050 टोटल कॉस्ट आ गया। कितना आ रहा है? 28618.33 114473 सेलिंग प्राइस पर केक कितना है? राइट right. डन। तो आप देखें ये जो पांच केक जो एक्स्ट्रा ना उसके कारण मेरा केक का कॉस्टिंग बढ़ गया। सेलिंग प्राइस 186.27 था, यहां पे 189.21 आ गया। मटेरियल छोड़ के बाकी आपका सब खर्चा तो एक बैच एक्स्ट्रा हो गया ना। राइट right.
इज दैट फाइन? नाउ इस आरटीपी में मैक्सिमम क्वेश्चंस वी हैव डन राइट. अगर आप लोग देखेंगे जॉब कॉस्टिंग का सम भी हम लोगों ने कर लिया है. पहले एक नॉर्मल कॉस्ट शीट बनेगा, उस कॉस्ट शीट के बेसिस पे हम लोगों का रिकवरी रेट्स आ जाएगा राइट, एंड देन वी विल प्रिपेयर दी जॉब कॉस्ट शीट. तो ये हम लोग कर चुके हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग का भी ये सिमिलर कैलकुलेशन वी हैव डन, इसमें बैक कैलकुलेशन करके अपने को चीजें निकालनी है. द सेम प्रॉब्लम वी हैव डन. जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का भी हाल ही में अभी हम लोग शायद नवंबर 18 का या मई 19 का आरटीपी में किया है ये. सर्विस कॉस्टिंग ऑल्सो वी हैव डन इन रिसेंट आरटीपीज. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो वी हैव डन राइट. तो ये सब हमारा हो चुका है. अभी हम लोग आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग वाला सम में राइट. नंबर 13 राइट. तो ये पूरा हमारा हो चुका है 8, 9, 10, 11, 12. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13. राइट. अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट ए एंड बी. इट्स बजट शोज प्रॉफिट फिगर आफ्टर अपोर्शनिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 15 लाख इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. ठीक है, मतलब प्रॉफिट जो निकाला गया उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस किया गया इन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. बजट दिखा रहा है प्रॉफिट 150 एंड 30,000. सेलिंग प्राइस दे दिया 200, 120. पीवी रेशियो दे दिया. Compute the best option among the following. If the company expects that number of units to be sold would be equal. पहला ऑप्शन क्या बोला है? Due to change in manufacturing process, the joint fixed cost would be reduced by 15%. Wow. लेकिन वेरिएबल्स वुड इंक्रीज बाय 7.5%. ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्राइस ऑफ ए कुड बी इंक्रीज बाय 20% एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी. वाओ, ओवर द रेंज ऑफ प्राइसेस. ठीक है, प्राइस को 20% से बढ़ा देंगे एज इट इज एक्सपेक्टेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी ओवर द रेंज ऑफ प्राइसेस. साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑप्शन 1 and 2 अबव. जस्ट हैव अ रीडिंग वंस मोर.
ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आप ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने ना। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि अभी जो मेरा सिचुएशन है, राइट, उसमें मेरा पहले नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स का डिटेल नहीं दिया हुआ, आप देखेंगे ध्यान से। राइट, तो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ ए बी एक्स, बी का भी एक्स, क्योंकि इक्वल बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। नोट टू, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना है देखो, तो 200, 120 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नहीं पता कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं पता, लेकिन पीवी रेशियो दे दिया 40%, 50%। तो 40% ऑफ 200 इज कंट्रीब्यूशन, तो 120 वेरिएबल कॉस्ट आएगा। 120 का 50% दैट इज 60 इज कंट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 आएगा। यस और नो? ठीक है, तो ये एनालिसिस हम लोग कर लिया। सो ध्यान देना, बाय प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू एफ प्लस पी, हम लोग को पता है। तो 80x प्लस 60x दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी 80 पर यूनिट इनटू एक्स, 60 पर यूनिट इनटू एक्स, ये 15 लाख है। दोनों का प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख और 30,000, ठीक है। इज दैट फाइन? सो दैट कम्स टू 140x इज इक्वल्स टू 16,80,000। सिक्सटीन लैख एट्टी डिवाइडेड बाई, तो आ गया 12,000 यूनिट दोनों का। ये मेन है, दिस इज मेन, ये इक्वेशन हम लोगों को पता है।
डन।